स्वागत करते हैं लोगों के हमारे चैनल पे जिसका नाम बा पढ़ाई वाले बिहारी। आज के वीडियो में हम संग पढ़ने सन क्लास 10 एसएसटी के बुक से चैप्टर नाम बा होकर पॉलिटिकल पार्टी हनु होकले बारे में आज हम संग पढ़ने सन। तो चलिए आज के वीडियो में संग शुरू करेंगे। तो देखिए हमने हम का कर लेबनी चैप्टर में, इस चैप्टर में जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लागल बा उ सब हम अंडरलाइन कर लेबनी, ठीक बा। ये सब आज के वीडियो में हम बताएं। तो चलिए बिना देर करे हुए ये वीडियो के शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक बनू व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के मतलब वो लोग समझे कि ना समझे लोग कोनो बात ना पलटे पलटे समझिए जाए लोग कोनो बात। तो सबसे पहले बात करता नहीं पॉलिटिकल पार्टी का मतलब का होके। तो देखिए जो ना पॉलिटिकल पार्टी होकेला पहले तो हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में का लिखल बा, ठीक बा। फिर ओकर मतलब हम समझ लेते मिल के, ठीक बा। तो देखिए का लिखल बा, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। समझ में आई ना आई हमारों ने समझ लिया, लेकिन चलिए मिल के समझेंगे। तो देखिए क्या कहता जो पॉलिटिकल पार्टी होकेला वो एक ग्रुप होकेला लोगन के, ठीक बा। बहुत लोग एक ग्रुप होकेला एक यहाँ तक, ठीक बा। यहाँ तक हमारों समझ में आए, यहाँ तक हमारे समझ में आए। चलिए आगे देखिए क्या लिखल बा, जो कि कैसे जो कि हमसे के पास कैसे आवे नहीं इलेक्शन के द्वारा हमसे के पास आवे नहीं, ठीक बा। जैसे पॉलिटिकल पार्टी कब मिलेगा हमारा, जब इलेक्शन वगैरह होकर तब ना पॉलिटिकल पार्टी वगैरह मिलेगा हन होकर पहले मिलेगा ना। चलिए ये लिखल बा, अब देखिए अब लिखल बा कि एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अब वो क्या करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी होएला लोग उ लोग सरकार में अपने पावर के बना के रखेला लोग। ओके पावर के बना के रखे रहे मतलब का अपन पावर सरकार में बचा के रखेला लोग। ऐसा ना चाहे लोग कि हमारे पावर केहू के हाथ में चल जाए हनु, ये सब लोग ना चाहे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन गए बा तब, ठीक बा। यहाँ तक लोग क्लियर बा, हमारों क्लियर बा। चलिए आगे चले के अब देखिए आगे लिखल बनू कि डी एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर दिस सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। अब एक बात बताइए हमारा, अब पॉलिटिकल पार्टी बनता काहे बनता, हमने से खातिर बने, हम संगे जो दुख डर पीड़ा उड़ा बानू वही खातिर न बनेला पॉलिटिकल पार्टी बनेला कि ना। तो हमने संगे जैसे मान ली कोई बड़का दूध बा, दूध रही के दुख बा, दुख पीड़ा पीड़ा कष्ट कष्ट समझ नहीं लू हाँ उहे बा। जैसे मान ली कि इलाका में का बा गंदगी बड़ी ज्यादा रहेला हनु, हमारे इलाका वही बा। तो मान ली कि एगो का बोल के एगो आदमी उठल कहल कि हम जाए पॉलिटिक्स में, अब पॉलिटिकल पार्टी हम बने वाला बानी। तो कहत रहन कि हम हमारा वोट दिया लोग तो जो आस पास इलाका में जो कचरा उछरा बा साफ करवा दो, हम बोले ठीक बा। तो ये एगो भर प्रोग्राम भर के ना रब इलाका साफ हो जाएगा ना। अगर ये आदमी एगो मान ली कि लौड़े इलाका से एगो आदमी पॉलिटिकल पार्टी खातिर उठल उ कहल कि हम अगर बन गए पॉलिटिकल पार्टी अगर में आ गए नहीं हम तो हम ये सब साफ करवा दें। तो हमारे संगे एगो प्रोग्राम रहे एगो हमारे संगे हुकार रहे एगो डिकटे रहू वो समाधान हो गए हनु, एक खातिर हमारे संगे पॉलिटिकल पार्टी के जरूरत बा, ठीक बा। एक और एग्जाम्पल दी ये तो ना बुक के लेंगे छोड़ी बुक के लेंगे भावना में जाए, एक हम लोग छोट एग्जाम्पल दे होते, ठीक बा। रुके सोचे थे दो मिनट सोचे में टाइम लगेगा कि ना, रुके सोचे सोची 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हाँ सोच लेंगे चलिए बताई नू। चलिए मान ली कि इलाका में का बा, मान ली कि इलाका में सड़के नहीं खे माटी के पूरा का पूरा गलिए बा, ठीक बा। बड़ी ढूल उड़ेला अरे बाप रे बाप बर्दाश्त ना होकेला ढूल हो नू, और बहुत लोग बीमार पड़ता ढूल से, ठीक बा। होता नू ऐसा होता, अब का भेल नू एक बार भी चाहता नू कि काश हे गलिया में रोड बन जाए सड़क पक्का पक्का मकान के हनु, ऐसा लोग चाहता आई समझ में। चली अब लोग चाहता एक आदमी चाहता खाली, तो अगर वो चाहे कि सरकार से हम डिमांड करी कि काम हो जाए तो जल्दी हो ना ना हो, एक आदमी सरकार थोड़े सुनेला। जब पता चले कि हमें 500 आदमी 2000 आदमी मिल के वो आंदोलन करता कि हमारा ये सड़क अभी यहाँ चाहिए तभी वो काम होकेला जल्दी होकेला, एक आदमी करी हो सकता लेकिन समय लाग सकता हूँ हो सकता हम कहाँ करते ना हो सकता लेकिन समय भी लग सकता है। एक खातिर देखिए जैसे मान ली कि ये आदमी एक आदमी चाहता कि हमारे गलिया में सड़क बन जाए, अब का बोल बहुत लोग के दिक्कत हो जाएगा बहुत लोग के दिक्कत हो जाएगा हनु। अब वही इलाके में मान ली कि 500 लोग रहते अब 300 लोग खड़ा हो गए कहते कि ना अब तो सड़क चौबे करे क्या अब बड़ी दिक्कत होता हनु, तब का बोल कि अब डिमांड भई कि अब सड़क के बने के बने के बने, तब का बोल के एगो आदमी वहाँ से निकल कहते कि हम बढ़वा देव अभी का होता है इलेक्शन आवे हनु का करी रहू हमारे वहाँ जितवा दे हम पक्का बनवा देव हनु। तो अब जो मान ली आदमी हमारे संगे जितवा दिल सन हनु, ठीक बा। तो अब का सड़क पर बनवा दिलस, ठीक बा बनवा दिलस हमारे संगे सड़क। अब चलिए अब वो सड़क हमारे संगे बन गए कि ना बन गए नू। चलिए अब देखिए अब वो आदमी के जो हम संगे उठेले नहीं सन वो हम काहे उठेले नहीं पॉलिटिकल पार्टी में काहे भेजनी सन ये बताई, अपन स्वार्थ रहे कि ना सड़क बनवाए के रहे कि ना बनवाए के रहे कि ना, एक आदमी के बात सरकार सुनी ना। लेकिन हमारे संगे का कहने सन कि हमारे संगे 300 आदमी में से एक आदमी निकल हमारे संगे का कहें अपन रिप्रेजेंटेटिव कहें सर उ गए सरकार के पास हमारे संगे डिमांड रखलस कि जो गलिया बन एक्स वाई जेड नाम के गली है मान ली एक्स वाई जेड नाम के गली है हमें सड़के नहीं कि सड़क बनवाए गए सब कोई बहुत लोग बीमार पड़ता ये दिक्कत होता सरकार को ठीक बा हम ही विचार करें। तो विचार भाई ठीक बा विचार भाई तो का बोल सड़क बन गए इलाके में ये एगो अच्छा बात है पॉलिटिकल पार्टी में।
कि जो पॉलिटिकल पार्टी हो गया वो डायरेक्ट जो आम जनता बनू, जितना आम जनता का दिक्कत हो के उस सब पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी हो गया उस सब का समाधान करेला हनु। ये वो अच्छा चीज़ है, ऐसा थोड़े कि खराब चीज़ हो। और मान ली कि हमारे दिक्कत बा एगो हम से सरकार से लड़ाई करें, ऐसा थोड़े होकेला पार्टी चीज हमारा कोई सुनबे नहीं करत। लेकिन हमारे साथ मान ली कि हमारे साथ 2000 लोग जाता तो कोई ना कोई सुनबे करी, क्योंकि 2000 लोग जाता एक साथ कहीं ना कहीं खड़ा जाए दबदबा रही कि ना रही रही नु। चलिए एक खाली पॉलिटिकल पार्टी उन्हें बनाने सर यहाँ तक क्लियर भैल, अब चलिए आगे चले के नु। अब चले के अब देखिए अब बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टी होकेला हमें तीन गो मेन कंपोनेंट होकेला हनु, तीन गो होकेला क होकेला तीन गो, दू गो ना होकेला चार गो भी ना होकेला बाट ले तीन गो होकेला ना एगो ना दू गो ना चार गो ना पाँच गो मात्र तीन गो याद रख लेम क्योंकि वो पूछो देवेला। देखिए पहलका का होकेला, पहलका होकेला द रीडर्स, रीडर्स जो कि बड़ बड़ ऊँचा पदों पर ना रहेला लोग, जैसे कि पीएम हो गए नी का कह गया और कौन हो गए नी बताई राउ हो गए नी का नाम हो एगो पीएम प्राइम मिनिस्टर हो गए नी हम संग के ठीक बा, एगो हाउ प्रेसिडेंट हो गए नी, ये सब रीडर्स लोग हो गए लोग ठीक बा। अब चलिए अब बात करेंगे होकर बाद दूसरा कंपोनेंट द एक्टिव मेंबर्स। अब हमें एक्टिव मेंबर्स भी रहेंगे, जैसे मान लीजिए एमएलए होंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के आदमी कोई हो गए, एमएलसी हो गए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के आदमी हो गए, ये सब का हो कि नहीं ये लोग एक्टिव मेंबर्स हो नहीं सर ठीक बा। चलिए एक लास्ट कंपोनेंट आएगा द फॉलोअर्स ठीक बा। अब फॉलोअर्स में हमारे संगे आम जनता ना हो सर, ये पहले सुन ली क्योंकि हमारे हिंगे लागत लगे आम जनता होगी ऐसा कुछ नहीं के। देखिए मान ली कि टॉप लीडर पर लोग बैठल तो वो लोग का हो जाए लीडर्स हो जाए कंपोनेंट में और कंपोनेंट ना। अब एक्टिव मेंबर्स में के आ जाता, एक्टिव मेंबर्स मतलब एमएलए एमपी और कौन एमएलसी लोग आ जाता। अब देखिए अब का हो के ना जैसे एग्जाम्पल हो गए देता नहीं, मान ली कि जो जहाँ रहे नहीं वहाँ प्रधानमंत्री आए वाला बानी, आए वाला बानी काची साहब हेलीकॉप्टर से अपने सिक्योरिटी लेके। अब का हो के ना बहुत लोगों के देखते हम कि एक दिन पहले ही का हो के मोदी जी का पूरा प्रचार, मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री है ना मोदी जी अभी है ना। चलिए तब देखिए तो का हो के ला जैसे कि पीएम बनी, पीएम आए वाला बनी काल तो एक दिन पहले ही रात के का पूरा बैनर उनर रोड पे लागे 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 कि ना। अब जो रोगवा लगावे वाला बैनर हो गया वो का हम संगे लगावे नहीं सन ना नो लगावे नहीं सन, वो कोई जो पार्टी के मेंबर छोट छोट लोग होके ला वो लोग लगावे रहे कि ना लगावे ला लोग ठीक बा यहाँ तक साफ बा नु। चली तो जो बैनर वगैरह लगावे लोग छोट मोट जो काम करे वाला लोग हनु या यू कर ली जो बड़ बड़ लीडर चमचा लोग होके ला लोग जो चाहे लोग कि हम उनके पास रही हनु उनका हमेशा मदद करते रही ओकरे कहा जाए का कहा जाए बताई ओकरे कहा जाए द फॉलोअर्स ठीक बा। फॉलोअर्स कहा जाए फॉलोअर्स ना कहा जाए फॉलोअर्स ठीक बा। हो सकता हम उल्टा बोलत हम बता दो छोट भाई माफ कर का दिक्कत बा। चलिए आगे चले के अब बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी हो ओकर काची का जी फंक्शन है भैया ये तो जाने के पड़ी, जाने के पड़ी कि ना ही बताई जाने के पड़ी। चलिए तो देखिए इनका काची का जी फंक्शन है, पहला का फंक्शन है पहले पे बात कर लेके ये लोग का करे पहला फंक्शन ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे लोग ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करवा रहे लोग पहला काम होगा। दूसरा देखिए दूसरा ये लोग का करे लोग कुछ लोग का करे जो पार्टी हो के सन वो अपन पॉलिसीज और प्रोग्राम देवे नहीं सन काहे, जैसे कि मान ली या यू कह कुछ लोग अपन आइडियोलॉजी देवे विचार, जैसे मान ली कि एगो इलाका बा हमें 5000 लोग रहेला हमें से एक आदमी खड़ा हो ठीक बा, वो अपन कहता कि अगर हम आ गए नहीं पार्टीज में हनु, अगर हम पार्टी में बन गए अगर हमारा पार्टी फॉर्म हो गए बन गए पार्टी हनु ये समझे पार्टी बन गई तब का करें जितना ही गड़िया में दिक्कत उक्कत बा लोग के जितना समाधान सब हम करें, जैसे घर में पानी ना आवेला नल के पूरा सड़क खराब सब हम बनवा देव हनु। तो ये जो आदमी एक आदमी खड़ा भले ओकर आइडियोलॉजी ओकर विचार हनु, अब ये जो जो आदमी के पसंद हुई विचार बनु वो आदमी वोट दे दी दे दिन हाँ। ये रहा दूसरा काम हो गया पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी का करे रहनु कि लोगों के पॉलिसी और प्रोग्राम पे काम करवावेला अपन, जैसे एक आदमी उठल आइडियोलॉजी रहे जैसे कुछ कि हम इस सड़क बनवा देम हम नल के पानी ले आएंगे घरे तक ये सब रहे लोग के आइडियोलॉजी रहे कि ना रहे रहे नु आदमी के, तो बहुत लोग का बड़ी बड़े खुश भे ये सब कामों हमारे हो जाए हनु, तो लोग का कर साथ दे दिलस साथ दे दिलस तो बन गए पार्टी पार्टी उनका फॉर्म हो गए और ये सब काम करवा दे रो के कोई दिक्कत ना भी और उनको फायदा हो गए ठीक बा यहाँ तक सब बनू। चलिए अब चले गए तीसरा पे, अब देखिए इनका तीसरा काम का तीसरा काम का होगा इनका तीसरा काम हो के रहनु कि लोग जो पार्टीज होके नहीं सुन ये का कर सन कि लॉ बनावे नहीं सन लॉ नियम ठीक बा। देखिए क्या लिख रहा हूँ पढ़ लेता नहीं ठीक बा, पार्टीज प्ले अ डिसेसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। अब जो पार्टी बानू वो का करेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेला का करेला जो कंट्री बानू होकर खातिर लॉ बनावेला ठीक बा ठीक बा। और देखिए क्या लिख रहा हूँ फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड एंड पास इन अ लेजिस्लेचर। अब का होकर लेजिस्लेचर में वो लॉ पासो करवावल जाला ठीक बा। चलिए आगे देखिए बट
सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। एकर मतलब हमें ना समझ झूठ कैबिनेट नहीं समझ तब ना समझा पाए ठीक बा। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं मतलब समझ में आ गया ठीक है ना तो कोई बातें नहीं चली लेकिन हमारा नहीं समझ में झूठ कहे बोली झूठ बोल फायदा बा नहीं चली आगे बताई ना हम बताओ तीन देखिए इनका चौथा काम का हो गया। चौथा काम का हो गया नू अब रॉ बन गई पार्टी जो इलेक्शन हो गई हाँ लोग अपन आइडियोलॉजी वगैरह विचार देखे कितना लोग पार्टी अपन बना लेल खुद के हनु तब का हुई अब ये लोग पार्टी लोग का करो मिल के गवर्नमेंट चलावे शुरू कर देवेला ठीक बा। इनका चौथा काम हो गया। अब सुनिए पाँचवा काम का हो गया। अब कुछ लोग हो लोग जैसे कि हमारा आइडियोलॉजी का कुछ हुआ एगो सामने वाला व्यक्ति का आइडियोलॉजी का कुछ और जैसे मान ली हमारा आइडियोलॉजी हमारा विचार है कि अगर ई एक्स नाम के काम बा वो हम करवा देव अगर हम आगे नहीं पार्टी में एगो सामने वाला बा वाई नाम के काम रहे ठीक बा वो कर सके अगर हम आगे नहीं तो हम करवा देव काम वहाँ ठीक बा। यहाँ तक साफ बा तो का बोल के हम जीत गई और हम ये काम अपन एक्स नाम के जो काम रहे करवा देनी अब जो सामने वाला वाई नाम के काम रहे वो ना जीत पाए वो हार गए बेचारा हनु तब वो पाँचवा काम देखी का हुई। अब वो का हुई कि अपोजिशन में जाके बैठी काहे बैठी जैसे मान ली कि हम ये काम ना हम प्रॉमिस कर रही हम इलेक्शन में जीत गई अब एक्स नाम का काम प्रॉमिस कर रही हम कि हम करवा देंगे अगर आ गए तो हम ना करवाओ तीन तब जो अपोजिशन वाला लोग बैठल बा जैसे कि हार गए बेचारा लेकिन उम्मीद बा कि अगले पाँच साल बाद हम फिर दे सकते मौका हनु फिर मौका मिल सकता जीते के तो ये बात के खाली संतुष्ट बाकी हाँ हाँ पाँच साल बाद फिर मौका मिले अगर हम अच्छा से काम करते हमू आ जाए सट्टा में हनु ये होकर ठीक बा चली। एक खातिर जो पाँचवा काम बा नू हो जाए रोल ऑफ अपोजिशन जोन पार्टी ना जीत पाए ला नू चल जाए अपोजिशन में और देखे लगे ला जैसे कि मान लीजिए अभी बातें सट्टा में वो काची काची गलती कर रहा था उन सब में मदद कर लगेगा ठीक बा चली। अब बात करें कि छठा काम अब देखिए अब जो पार्टी बानू वो का कर ला नू जो पब्लिक ओपिनियन बा एगो अच्छा से शेप देवेला एक का मतलब भैया भैया तो समझी जैसे मान ली कि अभी तो लोग बहुत एग्जाम्पल है मान ली कि वो गाँव बा मान ली नहीं चले अब एगो गाँव में का बड़ी दिक्कत बा पानी अबे नहीं करत कहीं से तो वहाँ 500 लोग रहेगा और वहाँ से पानी नहीं आवत का हो बड़ी लोगों के दिक्कत होते कि ना होते हुई नू चली। अब देखिए अब का होता नू कि लोग डिमांड करते कि एगो बन जाए तो अब जो पार्टी बानू जैसे छोट छोट पार्टी ना होकर सन ओके संगे का करे ठीक बा जो 500 लोग के दिक्कत बानू एक हम मदद करें तो का कर सन छोट छोट जो पार्टी होकर सन वो लोग चल जाए लोग गवर्नमेंट के पास बात करे और कहे लोग जो एक्स नाम के प्रॉब्लम जैसे कि पानी नहीं है इलाका में वो पानी का समाधान दूर किया जाए दूर करे के बाद ठीक बा तो दूर होई नू तो ये काम हो गया पाँचों के जो पब्लिक ओपिनियन हो गया वो अच्छा से सेफ देवे पार्टी हनु जैसे कि दिक्कत बा 500 लोगों के अब 500 लोगों के दिक्कत बा तो उनमें से बहुत लोग ना जा पाई लेकिन जो इनका इलाका में जो पार्टी बना रहा जीत के वो तो दे सकता वो कहे कि सट्टा में बनु सट्टा देखिए उल्टा बोलते हैं सट्टा मतलब काची में मेजोरिटी में सुन जी चलिए मेजोरिटी में अडमिया बा ठीक बा तो अडमिया मेजोरिटी में बा तो वो अगर जाए तो पार्लियामेंट में अगर बोली कि दिक्कत होता हमारे इलाका में चाहिए हमारा सुविधा तो वो तो हो ही कहे कि वो मेजोरिटी वाला आदमी हो ठीक बा। यहाँ तक साफ बोल लूँ चली आगे चले के अब बात करें कि एक आखिरी काम हो एगो बात सुने सुन ली देखिए अगर आखिरी काम का हो गया पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब जो पार्टी बनू वो प्रोवाइड करवा रहे सन काची तो सुनी देखिए वो एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम जैसे गवर्नमेंट को अच्छा सा स्कीम ले ठीक बा उ सबके का कर पार्टी मदद करे लोगों के बतावे कि अच्छा अच्छा स्कीम आएल बा सबके लाभ उठाई हनु ये सब काम हो गया पोलिटिकल पार्टीज के ये सब फंक्शन है चलिए। अब बात करें कि नेसेसिटी के तो देखिए हमें एगो लाइन अंडरलाइन करे पढ़ता नहीं वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पोलिटिकल पार्टी बाई इमेजिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेज द पेपर सॉरी पेपर नहीं खेजे पीपुल ठीक बा टू द पीपुल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। अब देखिए नेसेसिटी का है बा मान ली कि कोई पोलिटिकल पार्टियाँ नहीं खे अब एक आदमी को इलेक्शन में खड़ा हुई नू हुई वो इलेक्शन हुई चली अब इलेक्शन हुई तो एगो आदमी अगर बोले एगो कैंडिडेट अगर बोले कि हमारा ई विचार हम ये काम करें तो का वो जीत पाई अपन जो प्रोमिस पूरा कर पाई ना नु कर पाई एक पोलिटिकल पार्टी जरूरी बा ना समझ में कोनो बात ना बैठ के समझेगा आराम से जैसे मान ली कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं खे मतलब बड़ बड़ लोग नहीं खे काम करवाए वाला हन तब छोट छोट लोग जैसे कि कोई एक आदमी उठा नॉमिनेट करे का कैंडिडेट नॉमिनेट ना थी कैंडिडेट खातिर ठीक बानू तो कैंडिडेट खातिर एक आदमी उठ गए अब उ का बोले कि अब वो प्रॉमिस कर लेलस उ नहीं खे पूरा कर पावल अभी के करवाई पूरा अगर उ तो जीत गए पाँच खातिर बन गए तो पूरा के करवाई जो प्रॉमिस कर इलाका से अगर हम जीत गए तो काम करवा दे हनु तो काम तो ना हो पाई ना हो पाई तो एक खातिर का बोलूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी बा वो हमारे संगे जरूरी बा
जो पॉलिटिकल पार्टी रहे जो बड़ बड़ लीडर सब रहे वो लोग से काम करवा लोग ठीक से हनु तो यो सब अच्छा से चीज़ बा। अब चल यहाँ तक समझ गए, अब तक हमारे प्यास लगे आओ तीन पानी पी के फिर बा टाइम ठीक बा ठीक बा। यहाँ तक भाई अब चलिए चलिए आगे। अब बात करें कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, अब हम इसके पास कितना पार्टी बा। देखिए क्या लिखल बा इंग्लिश में पढ़ा था ठीक बा। तो देखिए लिखल बा कि मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब भारत में 750 से ज़्यादा ऐसा पार्टी बा जो कि कहाँ पर रजिस्टर बा इलेक्शन कमीशन से ठीक बा। यानी कि 750 से ज़्यादा पार्टीज बा हमने सके इंडिया में ठीक बा। यहाँ तक क्लियर भाई लू चलिए आगे चलिए। अब देखिए अब लिखा बनू अब आगे पढ़ते आगे के टॉपिक देखेंगे। तो देखिए इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल रन द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। अब चीज बात करें कि वन पार्टी सिस्टम का होकेला। तो देखिए ऐसा कौन कौन देश बनू जिनमें खाली एगो का होकेला, एगो लाउड का होकेला, एगो खाली पार्टी रहेला हनु, हमें कोई 5 गो 6 गो 10 गो 50 गो पार्टी ना रहेला हनु। लेकिन इंडिया में कहूँ 750 पार्टी बा हनु, लेकिन एगो कहीं कहीं रहेला हनु, ओकरा कहल जाला वन पार्टी सिस्टम। वहाँ एक ही आदमी का मर्जी चलेला ठीक बात। चलिए आगे चले के अब बात करी के और लेके आगे का लिखल बा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल वी जैसे लिखल बा चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, ऑल द डिग्री स्पीकिंग पीपुल आर फ्री टू फॉर्म पोलिटिकल पार्टी इज डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कम्पिटिशन फॉर पावर। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ओपिनियन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। अब देखिए जो लोग वन पार्टी सिस्टम मानू वो अच्छा ना रहेगा काहे, क्योंकि एक ही आदमी सत्ता में रहेगा अब वो जो मन करे वे करवाई। ऐसा तो बात ना कि कहीं कॉम्पिटिशन लगे 5 साल हम हट जाए ऐसा तो कहीं नहीं के हनु। तो वहाँ एक आदमी जैसे एग्जाम्पल देता है चाइना के, जैसे चाइना में का चलेगा वन पार्टी सिस्टम चलेगा हनु, वहाँ खाली देखावे खाली डेमोक्रेसी बा लेकिन वहाँ एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं के ठीक बा। चलिए वहाँ खाली देखाओ दे लेकिन 2 गो पार्टी बा, लेकिन जो दूसरका पार्टी बा वो पहिड़के के पटिया के पार्टी है ठीक बा। का हो गया उठाले ला अपना खातिर देखावे खातिर कि एगो हमारे पास हमारे देश में एगो और पार्टी बा हनु, लेकिन ऐसा कुछ नहीं के ठीक बा। चलिए अब देखिए और दिखल बा इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में पावर यूजली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। अब देखिए कुछ ऐसा ऐसा कोनो देश बने जिनमें दो तरह के पार्टी बा ठीक बा, कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल एग्रीगेशन बट ओनली टू पार्टी मेन पार्टी हैव अ सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट सच अ पार्टी इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। अब देखिए जहाँ पे मान ली कि एगो का बोले एगो और देश बा वहाँ दो तरह के पार्टी बा हनु, तो वहाँ अब हम इसे टू पार्टी सिस्टम कहें सर। जैसे इंडिया के ले ली यहाँ तो बहुत तरह का सिस्टम बा सिस्टम ना जी पार्टी पार्टी सिस्टम कहतनी गलती से हो गए हम उससे माफ़ कर ली चल पार्टी सिस्टम बा ठीक बा। यहाँ टू पार्टी सिस्टम इंडिया में बा ठीक बा। चलिए ये एगो अच्छा एग्जाम्पल हो इंडिया में। चलिए अब बात करके आगे। अब देखिए जैसे आउ दिल्ली बनू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। अब जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गई और का हो गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गए, ये सब एग्जाम्पल टू पार्टी सिस्टम के ठीक बा। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा होगा पॉलिटिका। तो देखिए इन सेवरल पार्टी कॉम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्टैंड और इन अलायंस विद अदर वी कॉल इट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। सॉरी देखिए हम उल्टा बताई नहीं है, जो इंडिया बनू हमें टू पार्टी सिस्टम ना हो मल्टी पार्टी सिस्टम बा ठीक बा। हमें दू गो का बा हमें 2 गो पार्टी नहीं, हमें बहुत सारा पार्टी बा ठीक बा। 2 गो एग्जाम्पल बा हनु, पहला एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा बा यूनाइटेड किंगडम, हमें 2 पार्टी सिस्टम चलेगा ठीक बा। चलिए आप सुधार लेंगे लिख लेंगे कॉपी में सुधार लें। चलिए आगे चले के अब देखिए अब लिख ले बनू कि इन समझ नहीं जो इंडिया में हमें क्या चलेगा मल्टी पार्टी सिस्टम कर लेगा। अब बात करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट का हो गया। तो देखिए जब मान ली कि सत्ता में आए खातिर जैसे मेजोरिटी में आए खातिर 272 चाहे बहुमत हनु, तो मान ली कि 270 मिल गए सीट, 2 गो सीट बार बच गए, तो एगो आदमी के पास 4 गो सीट बा ठीक बा। तब का हुई नहीं कि रहुआ गैनू आदमी के पास कहीं ए भाई सुनना कहत नहीं मिल के चले के सत्ता में आ जाए फिर उल्टा बोलते नहीं मेजोरिटी में आ जाए के मोटर मिल के सरकार बना लेवे के उ कहस कि ऐसा का तो ठीक बा कोनो बात मिल के बना सकते हाँ ठीक बा हम बना लेते चलो कोनो दिक्कत नहीं है। तो का बोल के 270 सीट इनकर पास रहे 4 गो उनकर पास सीट रहे तो 274 सीट हो गए और 272 सीट चाहिए, तो ये लोग जाके दिखा देलस लोग कि इनकर पास मेजोरिटी आ गए, तो ये लोग का बोले ये लोग अपन सरकार बना देलस एकरे कहल जाए कोलिशन गवर्नमेंट ठीक बा। चलिए अब देखिए अब बात करें के नू कि अलायंस का हो गया। देखिए अलायंस का मतलब का हो गया, अलायंस का मतलब हो गया इलेक्शन के पहले इलेक्शन के पहले हम लिख सकते हैं ठीक बा। और कोलिशन देखिए जैसे अलायंस गवर्नमेंट कब बनेला, अलायंस गवर्नमेंट बनेला इलेक्शन के पहले और कोलिशन गवर्नमेंट बनेला इलेक्शन के बाद
ठीक बा, यहाँ तक साफ बा। कैसे एलायंस गवर्नमेंट जैसे वोट बैल तो एक आदमी 270 में तो एलायंस गवर्नमेंट है और एक आदमी 274 लोग मिल के एगो सरकार अपन बना ले सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कह जाए, ठीक बा, यहाँ तक क्लियर बा। अब चलिए अब बात करके आगे, अब देखिए जो लेफ्ट पार्टी बनू ओकर मतलब अपने कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक बा। अब चलिए अब बात करके कि जो गवर्नमेंट बा वो कितना तरह के बा, तो देखिए तीन तरह के गवर्नमेंट होकेला। पहला हो गया अलायंस गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन के पहले हो, ठीक बा। अब चलिए फिर लिखल बा कि मेजोरिटीज गवर्नमेंट जो कि मेजोरिटी में आके करे हन, और फिर लिखल बा कोलिशन गवर्नमेंट। तीनों के मतलब समझा दे नहीं, चलिए अब बात करे के कि राहुल का बात करेंगे, छोड़ी ना हो गए खत्म। अब बात करेंगे नेशनल पार्टीज के, ठीक बा। तो देखिए नेशनल पार्टी में काका बा, अगर वो नेशनल पार्टी बने वाले लोग काका चाहें तो देखिए, और पार्टी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की बात होता है ना, तो पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। अगर देखिए अगर कोनो पार्टी कम से कम 6% का कैलस, कम से कम 6% वोट का कैलस अपने पास पा लेलस के में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, ठीक बा, और दू कम से कम दू सीट से वो जीत गए तो का हो जाए, वो स्टेट पार्टी बन जाए, ठीक बा। एक बार और बता दी, तो ऐसा पार्टी जो कम से कम 6% वोट पा ले कहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट में, ठीक बा। और साथ ही साथ अगर 2% और वोट जीत जाए, ठीक बा, दू को अगर वोट जीत जाए के में तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो काची बन जाए, तो बन जाए स्टेट पार्टी बन जाए, ठीक बा। अब चलिए अब बात करेंगे नेशनल पार्टी के, तो देखिए अब पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा, ठीक बा। अगर कोनो पार्टी लोकसभा में 6% वोट अगर कैलकुलस अपन अपना तरफ कर लेलस, ठीक बा, और साथ ही साथ या फिर अगर असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट एंड विन एटलीस्ट, और जो असेंबली इलेक्शन हो गया हमें अगर 4 सीट और साथ ही साथ 6% वोट वो जीत गए, ठीक बा, अगर 6% वो कैलकुलस, तो देखिए असेंबली इलेक्शन 4 सीट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, अगर वो लोकसभा में 4 सीट जीत गए, ठीक बा। एगो और लिखल बा असेंबली इलेक्शन, हाँ जो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन हो के इलाके में तो 4 स्टेट मान लीजिए 4 स्टेट में अगर इलेक्शन हुए, ठीक बा, कैची के असेंबली इलेक्शन, तब अगर जीत गए 6% सीट उन चारों चार सीट, ठीक बा, चार सीट अगर जीत गए के में तो लोकसभा में, तो का नेशनल पार्टी बन जाए, ठीक बा। यहाँ तक सब बात चली, एक बार हम पूरा पढ़ लेते नहीं, अगर हमारे साथ गलती हो गई तो वो लोग थोड़ा देख लें, ठीक बा, कबो कब हम ना ट्रांसलेट कर पाए नहीं इंग्लिश से हिंदी, ठीक बा, तो पढ़ा था नहीं सुनिए आराम से। तो देखिए अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। का बोलनी है, हम बोलनी है कि अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, ठीक बा। यहाँ तक क्लियर भैलू, अब चलिए अब बात करेंगे नेशनल पार्टी के, तो देखिए अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। का बोल रही है, एक बार और पढ़ रहे हैं आराम से सुनी, कौन दिक्कत है, चलिए आराम से पढ़ रहे हैं सुनी। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, ठीक बा। यहाँ तक क्लियर भाई, अब चलिए आगे चले गए। अब देखिए अब हमें मानू कि जो नेशनल पार्टी बा इंडिया में वो कितना बा, तो 7 गो नेशनल पार्टी बा, ठीक बा, हम खाली नाम बता देता नहीं। चलिए पहला रहा बा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, छोट नाम, ठीक बा। अब देखिए फिर बाटे बहुजन समाज पार्टी BSP शॉर्ट नेम, फिर बा भारतीय जनता पार्टी जेकर नाम शॉर्ट फॉर्म हो BJP, ठीक बा, फिर बा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जेकर शॉर्ट नाम बा CPI। अब बाटे लास्ट में कम्युनिस्ट लास्ट ना अभी और बा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जेकर नाम है CPI-M, ठीक बा। अब देखिए और बाटे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, अब लास्ट में आवता नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जेकर शॉर्ट नेम है NCP, ठीक बा। यहाँ तक क्लियर भैलो, चलिए अब बात करे के आगे। अब देखिए अब बात करे के चैलेंजेज टू पॉलिटिकल पार्टीज, अब जो पॉलिटिकल पार्टी बहुमें का चैलेंज है पे बात करेंगे, तो देखिए हम का करते हैं, हम डायरेक्टे बता दी क्या काची बात, तो चलिए बात बताइए देता नहीं का दिक्कत बा। तो देखिए चार गो चैलेंज बात के में टू पॉलिटिकल पार्टी में, पहला रोल बा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा बा सक्सेसिव डायनेस्टी, तीसरा बा ऑफरिंग अ मीनिंगफुल च्वाइसेज,
और चौथा बा मनी एंड मसल पावर। ठीक बा, चलिए यहाँ तक समझ में आई नू। ये रहा चार गो दिक्कत बा हमारा जो जन एक मतलब मानू हम समझा देते हैं। जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एक मतलब का जैसे मान ली कि एगो मेजोरिटी गवर्नमेंट बा, हमें अब एगो रीडर बा टॉप रीडर, उनका नीचे भी बहुत लोग काम करते हुए हनु। अब जो नीचे लोग काम करता हमें एक आदमी एक दो आदमी ऐसा मानू जो टॉप रीडर से भी ज़्यादा का बा, अच्छा बा काम करे में, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बा, तो वो आदमी के मौके नहीं मिल पावे। ठीक बा, वो आदमी जेबे नहीं कर पाए क्या कि जो टॉप रीडर बा नहीं चाहत कि हम यहाँ से हटी। ठीक बा, यही खातिर हमें कहा बा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और जो सरकार जो टॉप रीडर के अंडर लोग काम को होता करता ओकर अंडर का बा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंडर अंदरूनी में का बा इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं खे। ठीक बा, एक मतलब है। अगला देखिए, अगला लिखल बा सक्सेसिव डायनेस्टी। सक्सेसिव डायनेस्टी के का मतलब है, खत्म मतलब हमारा नहीं मालूम, पढ़ लिखा एक बार चलिए देखिए पढ़ा था नहीं। द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू टॉप इन अ पार्टी। ठीक बा, डोज हु हैपन, हाँ हमारा समझ में आ गया, बता दी चलिए बताओ तनी। तो देखिए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी लोग समझ गए नहीं, जैसे टॉप लीडर वाले उनका नीचे कुछ लोग काम करते हैं जो हमेशा एक दो ऐसे में जो उनका से भी ज़्यादा कामयाब हो सकता लोग, अच्छा से काम कर सकता लोग, लेकिन उनका जाए के मौके नहीं मिलते ऊपर, तो ये कहा हो, ये लाल हो गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब एक समझ सक्सेसिव डायनेस्टी के काम मतलब हो, जैसे मान ली टॉप लीडर बा, ठीक बा, मान ली मानेगा बा होबे करेगा, मानेगा बा मानेगा बा होबे करेगा ना, चले तो मान ली कि वो टॉप लीडर बा। अब का भाई कि उनका अब टॉप लीडर बा तो उनका नीचे भी बहुत लोग काम करते हैं। अब हमें से क्या होता है, एक आदमी ऐसा बनू जिसमें उनका नीचे जो काम करता वो 20 साल से उनके साथ काम ही करते होता और उनका से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता, वो जानता रहन हनु, लेकिन वो चाहता रहन कि जो आदमी जो 20 साल से हमारे साथ काम करता वो हमारा से ऊपर ना जाए हनु, क्या कि वो चाहता जो अभी टॉप लीडर वो बार चाहते हमारे रहे, हमारे सक्सेसिव रहे। ठीक बा, हम ही सक्सेस रहे, यानी यहाँ सक्सेसिव डायनेस्टी दिखाओ जाता। ठीक बा, क्या कि जो अब कह जाए देखा मतलब जो पावर में बनू पावर में रह चाहता, अपन नीचे जो पावर में बहुत पावर में आवे नहीं देवे के चाह। ठीक बा, अब चलिए अब बात करें कि ऑफरिंग अ मीनिंगफुल च्वाइसेज। अब पॉलिटिकल पार्टी में का बनू मीनिंगफुल च्वाइसेज नहीं है हनु, हमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। ठीक बा, चलिए और लास्ट बा मनी एंड मसल पावर। अब देखिए बहुत लोग जैसे कि कैसे जैसे बहुत लोग दो नंबर का काम करेगा कि ना कितना लोग गुंडा हो गया लोग उतर जन्मे करते लोग पॉलिटिकल पार्टी में बढ़िया आसानी से बन जाए कैसे बन जाए पैसा बा मसल पावर बा एक खातिर बन जाए लोग चार गो कारण बा। ठीक बा, यहाँ तक समझ गई। अब चलिए अब बात करें कि हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, अब पार्टी कैसे रिफॉर्म होकेला। चलिए लास्ट टॉपिक है, अब जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगे हम अंडरलाइन करेंगे नहीं। तो देखिए पार्टी कैसे रिफॉर्म होकेला, तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंक्लूडिंग द डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश रिवार्ड, नाउ द लॉ सेज दैट इन एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज ही और सी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। समझा दिए का मतलब चलिए समझी, जैसे मान ली कि जो एगो एमएलए और एमपी का भी लोग कोई भी एक आदमी बन गए लोग। ठीक बा, अब जब लोग बने रहे तो कम से कम 270 वोट चाहिए कि ना चाहिए, चाहिए नू चाहिए चलिए। तो सुनी कहा 270 वोट मिल गए, 270 या 272 272 चाहे शायद, तो 272 वोट मिल गए लोग एमएलए या एमपी बन गए। ठीक बा, यहाँ तक साफ भनू चलिए। अब का भनू कि लोग एमएलए एमपी तो बन गए, अब देखिए अब सुनी कहानी सुनी, अब हमें से का बोलूँ एगो जो अपोजिशन वाला लोग बार वो ना चाहिए कि जो सत्ता में वो सत्ता में रहे हनु, तो जो 272 बा हमें से का करे पाँच छः आदमी का सुनू ए भाई तू हमारे तरफ है 10-10 करोड़ रुपया दे दे का दिक्कत बा, तो इका करे से 5-6 आदमी नू जो 272 में से 5-6 आदमी के का करे अपना तरफ ले ले अपोजिशन वाला लोग, तो इनका तो पार्टी गिर गए कम से कम 272 चाहिए बहुमत खातिर। तो अब का भेलू कि अब लोग सोचते हैं कि अब 5-6 आदमी हट गए तो मात्र 265-266 लोग बचे, तो इनका तो बहुमत ना रही, लेकिन ये पहले होता है। अब ऐसा नहीं है, सरकार इस पर ध्यान दे। अब कहता नहीं सरकार अगर कोनो भी लीडर ऐसे कलर पार गए मतलब जैसे 272 लोग में मिल के एक सरकार एमएलए या एमपी बन गए। ठीक बा, अब हमें से 5-6 आदमी अगर हट गए तो हमें कोनो दिक्कत नहीं है, अगर वो लोग हट गए तो जो सरकार बनू उनका जो टिकट दे ओकरा हटा दी, क्या कि वो का बोल सरकार जाना था कि ये तो कभी हो सकता कोई भी 5-6 आदमी तो कोई भी बहरा फुसला सकता पोजिशन वाला, कहे चल भाई चल तुरा 5-5 करोड़ दे दे गिफ्ट में चल,
तो सब कोई आइए जाए। अब के चाहे कि पैसा ना चाहिए, के चाहे लगे पैसा हमारा ना मिले, चाहे तो एक हज़ार लोग हट जाए। एक खातिर कहतानू कि पहला जो MLA MP मान लीजिए बन गलो, हमें 272 चाहे 272 लोग बा, वैसे 10 आदमी हटिए गए लोग, तो अब ऐसा नहीं कि MLA और MP के लोग गिला दे उनका मेजोरिटी, ऐसा कुछ नहीं किया सरकार को। नियम ले लेबा का ले बा कि अगर का हुई अगर कोई 10 आदमी हट गए तो उनका जो उनका मिलेगा का मिलेगा एगो मिलेगा ना कार्ड मिले का कहने एगो वर्डो कुछ कहनी हमारा भूल पड़ गए। रुकी 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 याद करी हाँ जो कार्ड मिलेगा जैसे लोग आवेला ठीक बा MLA और MP के कार्डो ना मिले छोटे जो 272 लोग बा लोग हाँ टिकट जो टिकटवा बनू उ सरकारें रद्दे कर दी। ये पहला नियम आई बात चलिए दूसरा का बात करेंगे। अब देखिए दूसरा बनू कि जो सुप्रीम कोर्ट बा वो एगो ऑर्डर पास करे बा कि अगर कोनो का कहत अगर कोई चाहता कि हम हेमे आई केमे आई तो हम चाहत नहीं कि हम पार्टी फॉर्म करी तो उनको अपन एफिडेविट दिखाए के पड़ी। एफिडेविट के हम का मतलब होगा मालूम बा नहीं के मालूम कौन बात हम बताओ नहीं का दिक्कत बा हम बानी नु हम अभी बताओ तो सुनी एफिडेविट के का मतलब होगा। मान ली कि रघुआ पार्टी बनाए गए जाएगा बा पार्टी का टिकट लेवे तो रघुआ दिखाए गए और बस कितना संपत्ति बा और बस कौ गो मकान बा और बस कौ गो जमीन बा कौ गो गाड़ी बा कौ गो चल चक्का बा कितना कैश बा कितना बैंक बैलेंस बा सब दिखाओगे पड़ी। ये कहे कहल गया एफिडेविट का कहल गया कहल गया एफिडेविट ठीक बा यहाँ तक क्लियर बा। अब चलिए अगला पर चले के अगला देखिए अगला एक लिखे द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर टू मेकिंग इन नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स ठीक बा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करके पड़ी। चलिए और ना सबके नहीं समझ अब नहीं समझ ना बता पाए ठीक बा। चलिए एक और ऊपर तीन चार लाइन लिखे नहीं समझ में छोड़ लेते हैं ठीक बा वो हम पढ़ लेने अगर समझ में आए तो ठीक है बा ना आए तो बात नहीं खेत। चलिए अब देखिए बिसाइड दिस मेनी सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज अभी जो बात है ये सब अभी छोड़ दी। अब देखिए अब देखल बात और लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स टू ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर इट्स मेंबर टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन अ केस ऑफ पार्टीज डिस्प्यूट टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोजिशन एक मतलब वाला नहीं समझ में आए झूठ क्या है बोले हम कल पॉल रहनी है ठीक बा। चलिए आगे चले गए। अब देखिए दूसरा पॉइंट इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। अब कहता नु कि इस सब का साइड करें अब कहता कि कम से कम 1/3 हिस्सा वुमेन लोगों को भी देवल जाए पार्टी के टिकट ठीक बा जिन पार्टी के टिकट हो गया हमें मतलब 33% योगदान वुमेन के भी देवल जाए वुमेन के भी लाओ जाए पार्टी में ठीक बा पार्टीज में लाए जाए ठीक बा। अब चलिए पार्टी ना वो पार्टी खेले वाला पार्टी ना पार्टीज बनाओ जाए मेजोरिटी वाला जो सरकार लोग ना चला रहे बात होता ठीक बा। चलिए अब देखिए अब यहाँ और कुछ लिखल बा और उस अंडरलाइन ही नहीं कहीं ये सब तो हम ना बता पाए कहीं सब मतलब ना समझ में आए तो नहीं आए हो चलिए पढ़िए देते निकाल दी करो। देखिए अगर बार देर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेज दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड पेट्रोल पेपर टेलीफोन एटसेट्रा और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाई द पार्टी इन लास्ट इलेक्शन एक मतलब ना नहीं मालूम ठीक बा। चलिए अब चलिए ये एगो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट भाई ठीक बा उम्मीद करता नहीं कि आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लागल हुई मालूम है कि लोग लाइक वगैरह ना करूँगा अच्छा कोनो बात ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।